नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। गोरखपुर में प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेसिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने गोरखपुर मंडल के 1086 परिषदीय विद्यालयों के स्मार्ट क्लास एवं 64 ब्लॉक संसाधन केंद्रों में ICT लैब का लोकार्पण और 14,360 शिक्षकों को टैबलेट एवं 1,207 दिव्यांग बच्चों को 1,980 सहायक उपकरणों का वितरण किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब स्मार्ट क्लास की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के स्कूल एक नया आयाम साबित करने जा रहे हैं। कोरोना काल में शिक्षा पर बड़ा संकट आया था, बिना परिश्रम छात्रों को पास किया गया था। आज देश को स्मार्ट क्लास की जरूरत है। शिक्षा के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज के बिना कोई भी राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता, इसके लिए वहां की शिक्षा को संस्कार युक्त बनाना पड़ेगा। व्यक्ति के अंदर आत्मानुशासन की भावना पैदा होनी चाहिए। जैसी शिक्षा होगी वैसा चरित्र होगा और जैसा चरित्र होगा समाज की वैसी ही दिशा होगी। समाज जैसे चलेगा राष्ट्र उस दिशा में मोड़ पड़ेगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि DPT के माध्यम से पूरी धनराशि बच्चों के अभिभावकों के खाते में जाने लगी है। कोई भी सभ्य समाज के बगैर कोई राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता। किसी राष्ट्र को सशक्त बनना है तो उसको समर्थ बनना पड़ेगा। समर्थ बनना है तो उसके लिए वहां की शिक्षा को संस्कार युक्त बनना पड़ेगा। व्यक्ति के अंदर आत्मानुशासन की भावना पैदा हो सके, समाज और राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों को अपना मुद्दा समझने की एक प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए। राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। अगर इन सभी भावनाओं को अगर कहीं से हम समावेश करा सकते हैं तो उसका सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है तो वह शिक्षा होगी। जैसी शिक्षा होगी वैसा चरित्र होगा, जैसा चरित्र होगा समाज की वैसी दिशा होगी और समाज जैसे चलेगा राष्ट्र उस दिशा में दौड़ पड़ेगा। और इस दृष्टि से हम सबको पूरा का पूरा दारोमदार अगर किसी एक वस्तु पर एक चीज पर टिकी हुई है समर्थ और सशक्त राष्ट्र की तो वह आप सबके परिश्रम और आप सबके पुरुषार्थ पर टिकी हुई है। आप चाहेंगे तो देश को तेजी के साथ बुलंदियों की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि अतीत में यह कार्य न हुआ हो। आप याद करिए, अगर गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र नहीं होते क्या राम हो पाते? अगर चाणक्य नहीं होते तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य हो गए होते क्या? अगर गुरु संदीपन नहीं होते तो क्या कृष्ण हमें मिल पाए होते क्या? ये तो ढेर सारे उदाहरण हैं। भारत में ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में एक बच्चे को युवा बनते हुए और फिर राष्ट्र के एक समर्थ और सभ्य नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हर व्यक्ति देख सकता है। और एक शिक्षक की तो सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है कि अपने नागरिक को कितना, जब अपने द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को कितना वह समर्थ और योग्य बना करके राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उसके अंदर पैदा कर दे, या उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। उस उपलब्धि के साथ उसे अपने आप को जोड़ना चाहिए। और आज उसी उपलब्धि के साथ जुड़ने के लिए हम सब आज आपके बीच में यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 3 दिन गोरखपुर में अनुष्ठित कार्यक्रमों में अति व्यवस्था के बाद भी जनता दर्शन में पहुंचे। सीएम योगी ने जनता दर्शन में जन समस्याओं को निस्तारण को प्राथमिकता दी। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए
अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी है कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाए, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने चाहती और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने के लिए भाजपा सरकार संकल्पित है। जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। सीएम कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टि परक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। इस पर सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़े एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कराकर शासन में उपलब्ध कराया जाए। राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को मुख्यमंत्री ने पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी मदद की जाए। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई थी। मुख्यमंत्री ने बच्चों को खूब पढ़ने के लिए प्रेरित और चॉकलेट गिफ्ट करते हुए प्यार और आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के मदरसा सर्वे के बाद एक बार फिर से मदरसे चर्चा में हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर फिर से एक्शन लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इससे मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कहा गया कि बिना मान्यता वाले मदरसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यदि ऐसे मदरसे खुले पाए गए तो उनसे रोज 10,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। उन्होंने ऐसे हजारों विद्यालयों और मदरसों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। उन्हें 3 दिन का समय दिया गया है। सीएम ने कहा कि अगर कोई मान्यता का अभिलेख नहीं दिखाता है तो उसके संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 4,000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सरकार की कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भगवान राम के करोड़ों भक्तों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करेगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उन्हें श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए आमंत्रित किया है। यह कार्यक्रम 22 जनवरी को होने की उम्मीद है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसन्नता जताते हुए इसे करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करार दिया। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन आस्था के अवलंब प्रभु श्री राम की प्राण प्रिय नगरी श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के फलस्वरूप श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उल्लास, आह्लाद, गौरव और आत्म संतोष का चिर प्रतिष्ठित आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से कोटि कोटि राम भक्तों की भावनाओं का प्रतिबिंब करेगा। अयोध्या के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन की सरकार 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट को अयोध्या के लिए सैंक्शन की है, जिनमें ज़्यादातर परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है और अब यह कंप्लीट होने की ओर अग्रसर है। हमारा प्रयास है कि दीपोत्सव के पहले ज़्यादातर परियोजनाएं पूरी हो जाएं और ये अयोध्या के लिए पूरे प्रदेश और देश के लिए एक गौरवशाली क्षण आने वाला है, जब जनवरी 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 500 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को एक बार फिर से उनके भव्य मंदिर में विराजमान कराने का एक दिव्य आयोजन होगा। एक नई अयोध्या, एक भव्य अयोध्या का दर्शन देश और दुनिया को देखने को मिलेगा। इसी की तैयारी हमारे स्तर पर प्रारंभ की गई है। इसका पहला रिहर्सल दीपोत्सव को देखने को मिलेगा। दीपोत्सव का आयोजन आप सब जान रहे हैं, पिछले 6 वर्षों से लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा एक आयोजन
देकर के अयोध्या को एक वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने का प्रयास जो प्रारंभ हुआ वो एक सफलतम प्रयास था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा उनके मार्गदर्शन में जो कार्य यहाँ पे चल रहे हैं इन विकास कार्यों के माध्यम से अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए भौतिक विकास की दृष्टि से भी दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना, इसके लिए विभिन्न विभागों को कार्यों के मानक और गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बात स्पष्ट पहले ही निर्देश जारी किए गए थे। एक दिव्य और भव्य अयोध्या हम लोग देशवासियों को और दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए तो पहले से तैयार है। जनवरी 2024 के उस भव्य आयोजन के लिए भी अपने आप को तैयार करेगी जिसका इंतजार सदियों से अयोध्या वासियों को, प्रदेश वासियों को और हर सनातन धर्मावलंबी को विगत 500 वर्षों से है। वह हम उसी उत्साह उमंग के साथ अयोध्या के अंदर उस आयोजन को आयोजित कर पाएंगे। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।